अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की मेरी वीडियो है वेट गेन ड्रिंक, ठीक है। मैंने ऐसी फुटेज एक बना लिया है तो मैंने कहा सोचा कि चलो शेयर कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम ज़रा अच्छा प्रेजेंटेबल तरीके से बना लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए, ठीक है, इसके लिए आपको 3 इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होंगे, बनानास, ऑल पर मिल्क, ईरानी खजूर। ईरानी खजूर मैं इसलिए यूज़ करी क्योंकि वो बहुत नरम होती है, तो वो जल्दी ग्राइंड होने में और ब्लेंड होने में जल्दी हो जाता है। अच्छा, आप ऑल पर्पस मिल्क ले सकते हैं, वो नहीं है तो आप फुल फैट फुल क्रीम जो भी आपके घर पे मिल्क आता है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। मैंने 5 कप ऑल पर्पस मिल्क लिया है और यहाँ पर मैं आपको छोटे से स्क्रीन पर मैंने दिखाया अभी कि कैलोरीज कितनी हैं और क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं खजूर की, ठीक है। खजूर बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। अगर आप इफ्तारी में इस ड्रिंक को लेते हैं ना, आपके 14 तबक रोशन हो जाने हैं, आपकी मतलब जो है ना फुल टाइम, मतलब बस इंस्टेंट वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अच्छा, इसका वेट गेन में बहुत ज़बरदस्त रोल है। जिनका वेट गेन नहीं होता, मुझे लास्ट वीडियो में एक कमेंट पे आया हुआ था कि वेट गेन शेक की भी आप वीडियो मतलब वेट गेन की भी कोई वीडियो बताएँ कि उसके बारे में भी कुछ बताएँ। तो मैंने ये वेट गेन का शेक की वीडियो लगाई है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपने इसको जो है ना सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके और आपने ब्लेंड कर लेना है। ये इसकी एक प्रोडक्ट की आपकी की शक्ल निकल आएगी, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी होता है। अच्छा, इसमें मैं शुगर या कोई इस तरह की चीज़ नहीं डालती। क्यों नहीं डालती? इसलिए नहीं डालती क्योंकि ऑलरेडी आपकी खजूर बहुत मीठी होती है, तो इसलिए आपको इसमें शुगर की ज़रूरत, ठीक है जी, आपको इसमें शुगर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, ठीक है। अगर आपको शुगर आप लेते हो तो फिर आप उसमें अपने हिस्से जायका जितना आपको सही लगता है आप ले सकते हैं। मैं वैसे शुगर को बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, पर भाई वेट गेन किया तो भी हेल्दी वेट गेन होना चाहिए, नेचुरल फैक्टर होने चाहिए आपके पास मीठे के भी, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग बनता है। आप इसे चिल करके, ठंडा करके इसमें बर्फ़ ऐड करें और आप इसे ठंडा करके पी सकते हैं, ठीक है। इसे आप हफ्ते में 3-4 बार ले सकते हैं या आपकी मर्ज़ी है, रोज़ भी आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा इस ये ड्रिंक जो है ना बहुत ही न्यूट्रिशनल है और मतलब फुल पैक्ड है ना इस चीज़ का। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके आपने ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको ये कैसा लगा। हमें तो बहुत ही मज़े का लगता है और आप बच्चों को भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, इफ्तार में आप ज़रूर बनाएं। अच्छा, सहरी में भी इसको ले सकते हैं आप। यही एक ड्रिंक ले लें, आपको किसी और चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और बहुत ही आप हल्का फुल्का सभी और सही फील करते हैं। ज़्यादा वो हैवी खाना खा कर ना बहुत ही हैवी फील होता है काफ़ी देर तक और एक बदहजमी सी हो जाती है। तो ये ठंडा भी है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा है। और भी अगर आपने कोई वीडियो देखनी है या कोई इस तरह का होगा, आपने मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने मुझे आइडियाज़ देने हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।